करनाल के नेहरू पैलेस में ओपीएस ज्वेलर्स के सामने फायरिंग के मामले में सीसीटीवी व लिखित बयानों के आधार पर नया मोड़ आया है। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि आरोपी खाली हाथ थे, उनके पास हथियार नहीं थे। बता दें कि ओपीएस ज्वेलर्स में बदमाशों ने फायरिंग नहीं की थी। कार्यरत सुखदेव, जो कि फील्ड मैन का काम करता है, उसके साथ खाली हाथ आए तीन युवक में से एक युवक के साथ ओपीएस के सामने पार्किंग में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते ओपीएस ज्वेलर्स के शॉप में तैनात सुरक्षाकर्मी ने खतरा महसूस होने पर हवा में गोली चलाई थी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए थाना सिटी एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में कार्यवाही की जा रही है। थाना एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि ऑफिस ज्वेलर्स की ओर से लिखित में कंप्लेंट दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीन नकाबपोश लड़के उनके दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति के साथ ओपीएस ज्वेलर्स के सामने पार्किंग में मारपीट करने लग गए, जिसके चलते अंदर से गनमैन ने आकर सेल्फ डिफेंस में हवाई फायर किए। हरजिंदर सिंह ने कहा कि इस हवाई फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि ओपीएस ज्वेलर्स की शिकायत पर मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि गत दिवस नेहरू पैलेस मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया था, जब तीन नकाबपोश बदमाशों ने ओपीएस ज्वेलर्स के फील्ड मैन पर हमला कर दिया था। घटना के बाद एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया मौके पर निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे थे। तो जैसे ही दुकान से बाहर मैं सड़क पे उतरा हूँ, तो मेरे को तीन जैसे मुंह बांधे हुए थे लड़कों ने, तो वो पीछे से आके पड़ गए हैं। एक ने उनमें से मेरे को मारा है, तो जैसे ही मैंने शोर मचाया है, जब उसने मेरे को मारा, तो हमारे अपना दुकान पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जैसे गनमैन अमनदीप सिंह जी, उन्होंने एक हवाई फायर कर दिया, तो इसके बाद वो भाग गए हैं। तो कौन वो बदमाश थे, कुछ पता चला कौन थे? नहीं, जिसका कोई पता नहीं चला। कोई पुरानी लड़ाई आपस में, कोई हमारी रंजिश नहीं है, कोई किसी के साथ। उनकी तरफ से कोई फायरिंग, उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। जो दुकान है, ज्वेलर की दुकान है, वहां से फायरिंग हुई थी गार्ड के द्वारा? हाँ जी, दुकान के गनमैन ने एक हवाई फायर किया जी। उन्होंने कोई हवाई फायर नहीं, उनके पास था कुछ? उनके पास हाथ में तो कुछ है नहीं था, ये अभी जेब जूब में कुछ हुआ, हमने देखा नहीं। कितने लड़के थे? तीन थे जी। आपके साथ आके कौन आया था? एक था? हाँ जी, मेरे को मारने एक आया था, जिसने मेरी कमर में तो दो तीन मुक्के मारे। पुरानी कोई आपकी उनसे लड़ाई? मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है किसी से। चल गई है, जो कि तीन नकाबपोश लड़के हैं जिन्होंने गोली फायरिंग की है, और डिफेंस में ओपीएस ज्वेलर्स द्वारा भी फायरिंग की गई है, जो कि उसी टाइम मौका पर पुलिस पहुंची, जो कि उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक एसपी साहब भी वहां पहुंचे, हमारे डिप्टी साहब भी, और पूरे जिले की फोर्स वहां पहुंची। उसको मामले को बड़ी बारीकी से बड़ी छानबीन की गई, और वहां की जो भी सीसीटीवी फुटेज थे, जो भी कैमरे थे, और कैमरे में से, और जो कि उन्होंने अब ओपीएस द्वारा एक रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है, जो कि एक कंप्लेंट दी गई है, उससे ये बात क्लियर हुई है कि उनका एक लड़का जो कि वहाँ काम करता था ओपीएस में, वो पार्किंग में से जा रहा था, और तीन लड़के आए जिनमें से एक लड़के के साथ उसका झगड़ा होता है, और वो झगड़ा होने से एक ही लड़के द्वारा हाथापाई होती है। इतने में वो तीनों लड़के भाग जाते हैं, इतने में अंदर से उनका गनमैन निकल के आता है, और वो अपने बचाव में कि कोई झगड़ा हो गया हवाई फायर करता है, तो जो कि वो तीनों लड़के खाली हाथ पाए गए हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई असला और कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। कहाँ से पुष्टि हुई इसकी? ये पुष्टि उन्हीं वहाँ जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी कैमरे, उन कैमरों की फुटेज चेक करने से, और जो उन्होंने अब कंप्लेंट दी हमें रिटर्न में, जो बताया है उन्होंने, यही बताया कि हमने अपने डिफेंस में चलाई थी, पर वो खाली हाथ थे। इसमें सर किसी को चोट वगैरह नहीं लगी? किसी को कोई चोट नहीं है, बिल्कुल जस्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.